सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। करदे आ वीडियो की शुरुआत, फिर चलते हैं फिर मोगे नूं। कम जिहड़ा कल वाला रहिंदा सी विच अपना, तो मिस्त्री का फोन आ गया सी अपना, तो भाई कहिंदे आके लै जाओ भी करती अपनी मोटर फिट, तो मोटर लाई आपां नवीं, तो बाकी देखते हैं भी की हिसाब किताब उहदा। तो 8-10 हज़ार कहिंदे सी खर्चा आ जाणा अपना, क्योंकि 8-1 हज़ार की तो मोटर ही आ, 5 हज़ार तो स्टार्ट हो जांदी है मोटर। दो दी मोटर लाई आपां उपर, तो ये भी लोकल ही उदा, तो ओरिजिनल 12 हज़ार की आ, 13 हज़ार की अड्डो अड्डी, तो ये 8 हज़ार की सी, पर कहिंदे भी ये तो तुसीं 7-8 घंटे लगातार आप चला सकते हैं मोटर, भी जे आप घट वाली लें तो फिर वह मचण का डर, वो लोड नहीं चकना उन्हें, तो अपने फिर भी मैं कहा कि भी 2 घंटे चल सकती है, जे आप 1-1.5 घंटा भी कहने, तो जिहड़ियां मोटर दा 2 दी होगी वह भी जिहड़ी सस्ती वाली आ, पर उन्हें इन्ना टाइम चलना नहीं गा, तां करके फिर मोटर आपां नूं हैवी लाउणी पैंदी आ। तो बाकी देखदे आ चल के किवें आ गए मोगे, तो कवाड़ बाज़ार आ गया अपना यह, तो पहला लैनी आ संगली आपां जिहड़े गावां दे गलां च पाईआं, तो दिखाने फिर सोनू इतने दुकाना काफ़ी दुकाना है, पुराने समान जिहड़ा मिलदा आपां शिपां चो आउंदा निकल के समान सारा है। तो दुकान पर आ गए हैं, देख सकते हैं किवें पिया वा समान, ये वधिया अपने बर्तन वाला हुंदा है, पर देखण नूं पुराना वा, पर अपने लिए नवा ही है, तो संगलियां देख सकते हैं ये, तो मैल जी लगी है उपर जंग जी दी, पर ये अपने पूरी काम दियां है। कवाड़िया बाजार अपने मोगे, तो बाई जी उन्होंने लगे थी संगली लैन अपनी जी चैन कुप्पी वाली होंगी, जो अपने गावं के गल च पाइया हुई, तो वह घस गए थी पहला 7-8-9 साल हो गए पाइया, तो फिर लैन आए थे अच्छे पंप कुप्पी वाली, हाँ जी, तो चैन कुप्पी वाली, तो वो लैन लगे हैं जी अपनी थले पाइया, देख सकते हैं ढेर लग्या पिया वा इधर, ये चो आप पीस कढ़ा लेना आप जिदा चैन कुप्पिया सामने टंगी हुई है ना, ये टेरे वाली होंगी है ये जी बच्चे चैन पाई होंगी है, तो फिर आप वढ़ लेनी है टोटे करके गल च पा लेने लॉक, जे अपने पैराशूट वाले पहला वीडियो देखे तुम्हें, तो इतों मोगे अपने काफ़ी समान अपने लोहड़ी का जोड़ा हों मिल जाता वा, तो दो काम हो जाने क्योंकि कल आए थे पंप रिपेयर करवा, तो कल मिले नहीं अपन फिर पंप, तो अज रिपेयर हो गया, तो भाई जी कहते आके लै जाओ, तो नाल फिर ये भी काम करता जो डबल संगली वाला, इतने वेट करके मिलता वा 110-120 रुपये किलो के हिसाब न देंगे ये वेट करके, तो जी अपनी ये संगली आ, एक संगली काफ़ी चढ़ जाती है क्योंकि यह लाइट वेट होंगी आ, क्योंकि ये जी खोड़ी आ पतली आ, तो बाकी दुकाना इतने काफ़ी आ कवाड़ बाज़ार दियाँ, तो आप इन तो लिया वा जी कोची की हट्टी आ मोगे, कवाड़ बाज़ार भी मशहूर आ जिदा पटियाले पटियाले, पर ज़्यादा बड़ा वा कवाड़ बाज़ार, पर मतलब योग आपां नूं फिर भी इतने काफ़ी चीप जिहड़ियां मिल जांदियां, टोचन बहुत आ इतने, वेट आ जिहड़े अपने ट्रैक्टर के वेट बहुत आ, तो वेट संगली करती आ, तो 50-60 फुट होगी घट्टो घट्ट एक संगली, ये अपनी 6 किलो कुछ ग्राम की बनी है, संगली फिर इदा ही आप रख ली सी लिफाफे च लोट नहीं आनी सी, तो इदा ही फिर गड्डी रख ली सीधी चक के, तो संगली साफ आ पूरी है, उई मैल जी लगी है उपर जिदा जंग जहा हों, तो आपू देखना पैना भी कि समान कितने आप फिट करना, समान इतों बथेरा मिलता मोगे, ये आ गया अपना कलंप जेडे आप खोलते नहीं गए, वैसे कुछ भी आपू रेंच भी कह सकते हैं, जोड़ा आप फिल्टर खोलते हैं ट्रैक्टर के एडजस्टमेंट यदि हैगी है, बड़ा छोटा जाने साइज आप खोल सकते हैं, तो टक्कर जी मारनी पैदा जो आप सर्विस करते ट्रैक्टर की, जो मगलैल फिल्टर होंगे लैफ्ट वाला अपने ट्रैक्टर के आम ही आते हैं, तो वो अड्डो अड्डी साइज के होंगे, वो खोलने फिर वधिया रेंदे आ, ये पटा लाया होया वधिया, ये संगली वाले भी आते हैं वैसे, ये पटा लाया होया वधिया रबड़ लगी है, इतने एक आप कूलर लिया दो छोटे भी, ये भी अपने काम आते रहेंगे वैसे, है तो नॉर्मल ही है ये छोटा वा, यह बड़ा वा, ये 350 के आ दोनों, ये 150 का आपको मिले, 200 का, तो कई बार नॉर्मली कुछ खोलना हों कोई टैट हों नट उत्तों खिंचन वाला, जो अपने पुली पाली तो भी होती है, तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो कई थान काम आते अपने, ये 300 रुपये का, 300 का, ये फिर पटा आप मिल सकता बाद च करी और बाई चांस जो प्रॉब्लम होता वैसे वधिया लगे हुआ है, वैसे तो है ही,
ਹੈਵੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਏਜੰਟ ਆਉਗਾ ਜੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰੇਟ ਜੀ ਲਾਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਹੋਣ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਚਲੋ 4 ਰੁਪਏ ਵਟਾਤੇ ਆ ਸੰਗੜੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ ਫਰੇਮ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸ਼ੂਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਪੰਪਾਂ ਪੂੰਪਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਪੰਪ ਐਡੋ ਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆ ਹੈ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਕੋਈ 12 ਦਾ ਕੋਈ 14 ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਪ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਲਈ ਆ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇਹ 8,000 ਦੀ ਮੋਟਰ ਮਿਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮੋਟਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ 6-7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੱਚਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਪ ਆ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਈ ਮੋਟਰ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਫਿਰ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ 12-13,000 ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੂਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸਮੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਓਵਰ ਚੱਲੂਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਵਾਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਪੂਰੀ ਹੈਵੀ ਆ ਇਹ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਲਟ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪੁਲੀ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀ ਪਈ ਸੀ ਸੈਟ ਅਪ ਸੈਟ ਜੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਅਤੇ ਕੇਰਾਂ ਚਲੋ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਡਬਲ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾ ਕੇਰਾਂ ਘੱਸ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਤੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਪੈਪ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਪ ਆ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੇਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੇਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਪੱਟ ਦੂਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਰੰਗ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਘੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਟ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਓਵਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ
खलारा पाई जाता पानी का। रखते हैं फिर गड्डी हूँ बहर कढ़ लिया पंप तो चलते हैं फिर पिंड नूं खाड़े हूँ जा नहीं होना टाइम लग गया सी काफ़ी तो खाड़े चलेंगे कलू फिर घर चल के इनू करते हैं चेक कर ना उदा गड्डी धो के देख लाँगे कर करा इनू फिट फिर कलू। आ गए सी घर पंप देखते चला के खाड़े जाना सी पर टाइम बहुत लग गया उत्थे मिस्त्री को उन्हें कोले बह के जानी मिस्त्री से करवाना पाया काम तो बाकी चलो देखते हैं चला के इनू हुण फिर ये आ गई अपनी संगली चैन कुप्पी वाली आनू वढ वढ के आप टोटे कर लेने ये तो एक तो काफ़ी बन जानी है ये छे साढ़े छे किलो की है ये कई साल चल जानी है अगे अठ नौ साल हो गए चलते हैं तो देख सकते हैं ये अपन 1000 रुपये की पई है देख सकते हैं यदि लेंथ 50 फुट होगी अंदाजा मैं लगता है ये घसती नहीं गई यह वधिया संगड़ी होंगी है जी चैन कुप्पी पाई होंगी है केरा इनू फिट करके चला के देखते हैं फिर जगह देखा भी इन फिट आप पक्का कितने करना क्योंकि पानी तो मोटर बचा पैना हूँ आप अगे अपना जोड़ा सी पंप बहर लग्या होया इंजन के नाल ही तो नट कसता अपना जी पैप आ प्रैशर वाली कलंप करते इन्हों आ गया अपना पुराना पैप सप्लाई है जो पानी की सप्लाई करनी है यू फिर जोड़ ला दें इदा तो लम्मा होजू फिर कच्चा जहा केरा चला के देखते हैं तो बाद च करा पक्का फिर सिस्टम जिते इनू रखना हो मोटर अपने टेप लभी नहीं मैनू मौके पर पई तो हैगी चलो मैं लिफाफा लपेट दें वैसे टेप चाहिए है इतने टेप के लिए अपने क्योंकि लिफाफा गर्म हो जाता हूँ टेप जी गर्म नहीं होंगी तो फिर चलो ये आप कम चला लें आर जी है चेक करना चला के आप किमें चलता सैट तो उत्थे दुकान चाह देखे वा भी सही चलता सीगा तो बाकी गड्डी धोने ये फिर अज लग जू पता मोटर चालू हो गई है तो धोने फिर गड्डी हूँ देखते हैं प्रैशर प्रूशर किदा यदा प्रोपर तो चला के पता लग जू भी मोटर गड्डी धोते धाने मोटर गर्म तो नहीं होंगी क्योंकि प्रैशर यदा अपन केर सैट जो करना पैना वा मोटर जे आप ज़्यादा प्रैशर कर दी तो मोटर जाम हो जूगी क्योंकि इन्ना लोड मोटर चक नहीं सकती जे आप ज़्यादा लोड बढ़ा दीए तो प्रैशर काफ़ी आ इत्थे एक नोट करने वाली गल आ जिहड़े आपां रेडीएटर ते गड्डी दे जां ट्रैक्टर ते जां किसे दे भी जिहड़ा रेडीएटर जे आपां सीधा प्रैशर मार दीए ना इदां तो यह बहुत गलत आ मूहरे देख सकते हैं ये उंगल लाउणी जरूरी आ देख सकते हैं सीधा प्रैशर नहीं मारना आपां तो जे आपां सीधा प्रैशर मार दीए रेडीएटर ते तो इहदियां जिहड़ियां ट्यूबां होंदियां सारियां उह बिंगियां हो जांदियां ते गड्डी अपनी गर्म होने लग जूगी वो जोड़ा हवा का फ्लो हों घट जाता बच्चे ट्यूबा के करके जाने सीधा पानी आप कदे नहीं मारना ये रेडीएटर तो मूहरे उन्होंने प्रैशर घट करना ये उंगल मूहरे ला के तो मूहरे प्रैशर घटा के जाने मारना पानी तो गड्डी कई दिन की लिबड़ी हुई सी तो चलो मैं क्या ना चेक कर लें मोटर तो ना फिर गड्डी धोती जाऊ के धो लें मोटी मोटी जी इनू गड्डी धोती गई आ तो पानी मार दें घेर फिर उपर साफ जहा तो मैल जी जी सुक जाती फिर कपड़ा फेरना पैंता दोबारा माड़ा मोटा जहा फेर क्योंकि धुप तो सी हजे हल्की जी तो गड्डी फिर सुक जाती है नाल दी नाल ही तो गड्डी अपनी धोती गई है तो सुक्का कपड़ा मार दें उत्ते हुण सुक्का कपड़ा पहला मारांगे शीशियां ते फिर कपड़ा गिला जहा हो जाता नहीं फिर साफ नहीं करता चंगी तरह तो उदू बाद मारांगे बाडी ते ये गड्डी अपनी साफ हो गई है तकरीबन काम हो गया खत्म अपना तो अज की वीडियो किदा लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब तो बैल आइकन वाला बटन दबना नहीं भुलना ताकि होर भी नवी नवी वीडियो मिलती रहन ओके धन्यवाद सारे का मिलते हैं नवी वीडियो लेके।